लास्ट क्लास में हमने कुछ होमवर्क दिया था, जिसके अंदर से सबसे पहले थे हमारे पास एक एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 8.4, इन टेक्स्ट क्वेश्चन था 8.3, एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 एंड 8.5। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले एग्जांपल 8.4। तो एग्जांपल 8.4 के अंदर क्या दिया गया है कि वाई इज Cr2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग। कि एक तो हमारे पास क्रोमियम 2 पॉजिटिव है, वो तो रिड्यूसिंग नेचर का है, एंड Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग, और Mn3 पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है। व्हेन बोथ हैव D4 कॉन्फ़िगरेशन, जब दोनों के पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो, D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके अंदर इन्होंने बताया है कि क्रोमियम 2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग, क्रोमियम 2 पॉजिटिव रिड्यूसिंग होता है एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस, क्योंकि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बेटा वो चेंज होता है D4 से लेके कहां तक, D3 तक। द लेटर हैविंग अ हाफ फिल T2G लेवल, द लेटर हैविंग अ हाफ फिल T2G लेवल, ये जो है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आएगा। यहाँ पे दे भी रखा है C यूनिट 9। 9 के अंदर आपके पास लास्ट में एक कॉन्सेप्ट आएगा डी ब्लॉक वाला, जिसके अंदर हम सबशेल्स की एनर्जी लेवल के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे आएगा आपका T2G लेवल। ये इस तरीके से आता है, ये बीच में बैंड होता है, यहाँ पे जो लेवल आता है दैट इज योर T2G लेवल। तो आई विल कंसीडर इट इन चैप्टर 9, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ऑन द अदर हैंड द चेंज फ्रॉम Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव रिजल्ट्स इन हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जो चेंज आता है किसके अंदर, Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव में, वो कितने का आता है, उसकी वजह से क्या आता है, हमारे पास इसका एक कॉन्फ़िगरेशन बनता है दैट इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन विच हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी, ज्यादा होती है। तो आप यहां देख सकते हो कि एक तो हमारे पास क्रोमियम है, तो क्रोमियम 2 पॉजिटिव, और एक हमारे पास क्या है Mn3 पॉजिटिव टू Mn2 पॉजिटिव। तो यहां पे बेटा जैसे ही Mn2 पॉजिटिव आता है दैट मींस इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या बन जाता है, 3d5, 3d5 हाफ फिल डी ऑर्बिटल। तो हाफ फिल डी ऑर्बिटल क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है as compared to another orbitals, and due to this extra stability Mn2 positive is of oxidizing nature। जबकि बात करें हम क्रोमियम की, तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन कहां से कहां होता है बेटा, D4 से D3। तो आप देख सकते हो एक तो आपके पास d ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं या 4 इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, और एक आपके पास d ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 5 ऑर्बिटल्स फिल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल है, दैट इज हाफ फिल डी ऑर्बिटल। हाफ फिल डी ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल देन एनी अदर ऑफ दैट ऑर्बिटल्स, देयरफॉर Mn हैज एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी एंड इट विल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग नेचर एज कंपेयर टू क्रोमियम। इज इट क्लियर और नॉट? तो दैट वॉज अवर एग्जाम्पल नंबर 8.4। Now we will consider which of the 3D series of the transition metals exhibit the largest number of oxidation states and why। कि आपने 3D series पढ़ी होगी, क्या होती है 3D series? शक्ति वक्र मन फिको निकुजन, शक्ति वक्र मन फिको निकुजन, शक्ति वक्र मन फिको निकुजन दैट इज योर 3D सीरीज। वाई जर्नम मोतक रियूरे पडेजी सीडी दैट इज योर 4D सीरीज, एंड ला ऑफ द वर्ना रे उस इरिटेटिंग पैरेट के साथ और रोजा पागल दैट इज 5D सीरीज। तो यहाँ पे बात करें 3D सीरीज में, तो 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सा एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है बेटा, Mn। क्यों करता है, मैंने आपको अभी भी बताया इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, D5। दो इलेक्ट्रॉन्स को देते ही ये क्या हो जाता है, स्टेबल, एंड ड्यू टू दिस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इट विल शो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट्स एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स। तो Mn एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25, कॉन्फ़िगरेशन विल बी 4s2 एंड 3d5। Mn इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर पास क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब यहाँ पे आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है जो पांचों के पांचों पेयरिंग में जा रखे हैं। क्या पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, अनपेयर है, मतलब पेयरिंग करना चाहते हैं,
प्रेजेंट इन द डी सब शेल, जो कहां पे प्रेजेंट है डी सब शेल में, एनसेमेन एग्जिबिट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, और इसीलिए ये पेयरिंग करना चाहते हैं, दैट मींस ये क्या करेगा बेटा आपकी लार्जेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करेगा शो करेगा, रेंजिंग फ्रॉम प्लस टू टू प्लस सेवन, जो कहां से स्टार्ट होती है प्लस टू से और कहां तक जाती है प्लस सेवन, दैट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ एमिन। बात करें क्वेश्चन नंबर वन दैट इज ऑफ एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपके पास पहला पार्ट जो है वो है सी आर थ्री पॉजिटिव, तो सी आर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है आपको, क्रोमियम, एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम 1s2, 2s2, 2p6, मैं कंप्लीट लिख रहा हूँ आपको फिर उसके बारे में वो लिखना है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, and 3d4, यहाँ देख सकते हैं यहाँ से 24 से, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2, 2, 4, 6, 10, तो 12 और 6, 18, आर्गन 18, and 4s2, 3d4, is it clear or not? तो अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बताओ भी, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका लिखना है, क्रोमियम 3 पॉजिटिव का, 3 पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा डोनेट करेगा, डोनेट करेगा कितने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, देन व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन 2 3d3, अच्छा इसमें भी चॉइस बन रही है क्या, तो आपके पास 4s2 3d1 आएगा या 3d2 आएगा या 3d, दो इलेक्ट्रॉन यहां से गए एक इलेक्ट्रॉन यहां से गया 3d3 आएगा, तो बताओ इनमें से कौन सा आएगा आपका, तो देखो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो आपका क्या होगा 3d3 होगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन सी शेल में से जाना प्रेफर करेंगे, एस के अंदर से प्रेफर करेंगे एंड उसके बाद आपके डी ऑर्बिटल के अंदर से, क्लियर, आप ध्यान से देखो, बात करेंगे हम कॉपर पॉजिटिव आयन की, तो कॉपर पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, अच्छा मैं इसमें से आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को पहले जो है मार्क कर दूं, ये जो है आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं करेंगे, आपको सिर्फ कौन से एलिमेंट्स की करनी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं जिनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है बेटा वो कौन सी शेल में फिल हो रहा हो, डी ऑर्बिटल के अंदर फिल हो रहा हो, और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे जिनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आ रहे हो, एफ ऑर्बिटल में आ रहे हो, तो ये आपने एलिमेंट देखा होगा, ये किसी भी ट्रिक में नहीं आ रहा था, किसी भी ट्रिक में नहीं आ रहा था, ये भी किसी ट्रिक में नहीं आ रहा था, ये वाला भी किसी ट्रिक में नहीं आ रहा था, तो ये सारे आपके क्या हो गए, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हो गए। बात करें सीजियम की, दैट इज सीई, तो ये आपका क्या होता है, एक सीजियम क्या होता है भाई, तो ये जो एग्जांपल्स हैं बेटा आपके, ये जो हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं एंड ऊपर वाले जो हमारे चारों हैं वो किसके हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, तो इसके अंदर मैं आपको कॉपर पॉजिटिव का और करा देता हूं, बाकी सारे सेम है एज इट इज करने आपको। अब मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया था स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का, कि स्कैंडियम 3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के दिखाओ, तो यहां पे स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कर लेते हैं, तो कोई भी जो आपके पास मेटल या नॉन मेटल है दे विल वॉन्ट टू अचीव द नोबल गैस कन्फिग्रेशन, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट या लॉस क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या अचीव करना चाहते हैं, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अचीव करना चाहते हैं, तो हमने पढ़ा हुआ है कि स्कैंडियम का जो है एटोमिक नंबर कितना होता है 21 होता है, 21 होता है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आर्गन 18 एंड इसके बाद क्या आएगा 4s2 3d1, तो आगे जाके कहीं इसके बाद आगे कहीं पे जाके एक दूसरी नोबल गैस आएगी, इसके पास में कौन सी नोबल गैस है आर्गन, तो ये क्या चाहेगा, इस आर्गन का नोबल गैस आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना चाहेगा, अगर इसको आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है
तो इसे क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को जीरो बनाना पड़ेगा। जीरो कैसे बनाएगा, एक तो ये डोनेट कर देगा और दो ये डोनेट कर देगा, तो टोटल कितने डोनेट करेगा, थ्री पॉजिटिव। तो स्कैंडियम के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, थ्री पॉजिटिव। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 18, दैट विल बी द मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ स्कैंडियम। दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट क्यों नहीं करता, स्कैंडियम डज नॉट शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, वाई? बिकॉज इट इज नॉट स्टेबल, ये किसी भी टाइप की कोई भी स्टेबिलिटी इसके अंदर नहीं आती है, इसीलिए स्कैंडियम जो है आपका प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, बाकी सारे करते हैं। क्लियर है? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, दिस विल शो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट, बट स्कैंडियम डू नॉट ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। इज इट क्लियर और नॉट? तो ये बेटा आपके कुछ एग्जाम्पल्स थे, Mn और कॉपर का भी आप करेंगे। एब्लॉक वालों को हम जब इन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे तब कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट इज, व्हाई आर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव? अभी हमने पढ़ा है, टुवर्ड्स ऑक्सीडेशन टू देयर Mn3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो Mn2 पॉजिटिव था, Mn2 पॉजिटिव है बेटा, और हमारे पास क्या है, Fe2 पॉजिटिव है। दिस विल कन्वर्ट इनटू Fe3 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, and Mn2 positive is also converting into Mn3 positive oxidation state. तो जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Mn में हमारे पास क्या होगा, D5 आएगा। क्या आएगा? D5। यहाँ पे आप देख सकते हो Mn का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 25 होता है। बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d5 आएगा लास्ट में और 4s2 आएगा। Mn2 पॉजिटिव, दैट मींस टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ s सबशेल आर बी रिलीज्ड, एंड यहां पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना आ गया, 3d5 आ गया। 3d5 दैट इज हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल व्हिच इज मोर स्टेबल देन एनी अदर कंपाउंड। तो यहाँ पे बेटा जब ये Mn2 पॉजिटिव से Mn3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है, तो देर आर मोर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Mn2 पॉजिटिव एज कंपेयर टू आयरन, देयरफॉर Mn2 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन Fe2 पॉजिटिव टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन टू देयर Mn3 पॉजिटिव स्टेट। आ गया समझ में? जब ये Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा तो हमारे पास Mn के बाद क्या आता है, Mn के बाद ही आता है ना आयरन। एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26 होता है। तो यहाँ पे क्या है, D6 है, D6 है, ये 3 पॉजिटिव कर रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास 4s2, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा बेटा, 3d5 आएगा। बट यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, और यहाँ पे पहले से क्या प्रेजेंट होते हैं, अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा? तो Mn और प्लस इसके अंदर आप एक एक्स्ट्रा पॉइंट और एड कर सकते हो कि Fe जो है वो इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है जितनी कौन करता है, मैंगनीज करता है। कि आ तो इसके अंदर भी 3d5 रहा है, इसके अंदर भी d5 रहा है, लेकिन जो हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो Mn जो है बेटा वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है फ्रॉम +2 से +7। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की वजह से आपके पास जो Mn है वो क्या होते हैं, उसके कंपाउंड्स ज्यादा स्टेबल। तो ये यहाँ पे दे भी रखा है, ये Mn2 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आर्गन 18d5। तो वी नो दैट हाफ एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, हाफ और कंप्लीटली फिल्ड ज्यादा स्टेबल होते हैं, एंड Mn विद +2 स्टेट, Mn +2 स्टेट के साथ क्या होगा, d5 कॉन्फ़िगरेशन होगा, व्हिच इज व्हाई Mn2 पॉजिटिव शोज रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से Mn2 पॉजिटिव रेजिस्टेंस दिखाएगा, अपोज करेगा ऑक्सीडेशन में जाने के लिए, किसमें जाने के लिए, Mn3 पॉजिटिव में जाने के लिए। We know that Fe2 positive has 3d6 configuration, और ये एक इलेक्ट्रॉन को देते ही क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, तो ये 3d5 में जाना चाहेगा। Therefore, Fe2 positive easily gets oxidized, ये तो easily gets oxidized हो जाता है +3 में, लेकिन Mn नहीं होता। क्लियर है बेटा? Explainly briefly how +2 state become more and more stable in the first half of the first row transition elements with increasing atomic number. तो ये आप देखो बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। तो स्कैंडियम को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स आपके,
वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर ये प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है तो इसका मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। इसके टाइटेनियम टू पॉजिटिव का 3d2 रह जाएगा, आर्गन 3d2, आर्गन 3d2 रह जाएगा। क्लियर है बेटा? तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, 3d0 बन जाता है। therefore it will not show plus 2 oxidation state। ये plus 2 oxidation state आपका show नहीं करता है, लेकिन जो बाकी जो elements है बेटा आपके, वो plus 2 oxidation state show करते भी हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वो क्या होते जाते हैं, मोर एंड मोर स्टेबल। और ये फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, पहले पांच, फर्स्ट हाफ स्कैंडियम से लेके कहां तक की बात करी गई है, मैंगनीज की। इसका मतलब है फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की फर्स्ट रो कौन सी होती है, 3d सीरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर क्या करता है, इंक्रीज करता है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि ये धीरे धीरे किसकी तरफ जा रही है, Mn2 पॉजिटिव। और आप सभी को पता है Mn2 पॉजिटिव क्या होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। Mn2 पॉजिटिव मोस्ट स्टेबल क्यों होता है, तो कई बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि हाफ फील्ड होता है। जैसे ही इसने दो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया, 4s2 तो चले गए, बच के आ गया 3d5, तो दैट विल बी हाफ फील्ड डी ऑर्बिटल व्हिच इज मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। इज इट क्लियर और नॉट? टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो फर्स्ट सीरीज जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, वो कई बार कर चुके अब तो हम, शक्ति वक्र मन फिको निकुजन, तो ये आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है। तो टू व्हाट एक्सटेंट, कितने एक्सटेंट तक जो है, डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस डिसाइड करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ योर ऑक्सीडेशन स्टेट इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इल्यूस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल्स। तो ये हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, सारा जितना भी आपने तीन क्वेश्चंस में पढ़ा है ना, वो सारा यहाँ पे आ गया। ये तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता नहीं है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, और मोस्ट स्टेबिलिटी कहाँ पे आ जाती है, Mn पे। तो Mn तक जो है आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करती है स्टेबिलिटी किसकी, ऑक्सीडेशन स्टेट की। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है, Mn, दैट विल बी अवर मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। क्लियर है? एग्जाम्पल ले सकते हो आप, इसके कंपाउंड बना सकते हो, ठीक है? तो दैट वॉज अवर फोर्थ एग्जाम्पल। क्लियर? तो ये आता है हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल। फिफ्थ एग्जाम्पल में क्या कह रखा है कि व्हाट मे बी द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या होगी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट विद द फॉलोइंग डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के साथ इन द ग्राउंड स्टेट। कौन सी स्टेट है? ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है ना ही तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा और ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, चार्ज कितना है, जीरो ऑफ देयर एटम्स। तो यहाँ पे सबसे पहला क्या है हमारा, 3d3 है। कौन सा है? 3d3, उसके बाद 3d5, उसके बाद 3d8, उसके बाद 3d4। तो आप देख सकते हो बेटा 3d3 का मतलब क्या होता है, 23 एटॉमिक नंबर किसका होता है, वेनेडियम का। और कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये 4 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड प्लस 5। उसके बाद ये वहां पे चला जाएगा, क्या कहते हैं, स्टेबल में चला जाएगा। जैसे प्लस 5 है तो वेनेडियम है, वेनेडियम के ऊपर प्लस 5 आ गया, तो 4s2 3d3, यही है क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और आगे क्या आएगा, आर्गन। तो आर्गन इज द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नोबल गैस है, नोबल गैस तो स्टेबल होती है। तो 4s2 गया, 3d3 गया, 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो यहाँ पे मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कितनी शो करेगा, प्लस 5। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है, तो ये कितनी शो करेगा, प्लस 3 प्लस 4 और प्लस 6 प्लस 5। ये नहीं करता है, क्यों नहीं करता, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, अनस्टेबल होगा या फिर कैसे होगा वो आपको कल पता करके आना है। 3d5 इज मैंगनीज, कौन कौन सी करता है, प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 7। 3d8 क्या होगा आपका, कोबाल्ट, कोबाल्ट कौन सी करता है, प्लस 2 एंड प्लस 3। 3d4 क्या है, 3d4 का जो होता है बेटा, ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, दैट इज अवर क्रोमियम। क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट के अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, इट विल एग्जिस्ट इन क्रोमियम 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव। इज इट क्लियर और नॉट? तो दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम। तो ये आपके 5 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस थे बेटा, जो आपको घर से करके आने थे।
अगर आपने ये किए हैं तो आपको क्लास इंजॉय करोगे आप क्लास को, अदरवाइज जो है आप थोड़ा इसमें हेजिटेटिंग फील करोगे या फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। अगर पहले से ही क्वेश्चन करके रखते हो तो कॉन्सेप्ट साथ के साथ क्या होते जाएंगे क्लियर। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है आपकी मस्ट पार्ट होता है। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, जैसे आपने कभी किया होगा कि मैथ में भी करते हो आप, कि आपने कोई भी एक कॉन्सेप्ट समझा, उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, अच्छे तरीके से समझने के लिए आप उसके ऊपर क्या लगाते हो, न्यूमेरिकल लगाते हो या क्वेश्चन लगाते हो। इसी तरीके से यहाँ पे आपने कोई भी कॉन्सेप्ट समझा तो आप उस कॉन्सेप्ट के ऊपर उसी टाइम एक अटेम्प्ट करो किसको, क्वेश्चन को, देन दैट कॉन्सेप्ट विल बी फर्निश्ड। क्लियर है? क्वेश्चंस करके आप समझ रहे हो कि आपको कॉन्सेप्ट आ जाएगा, दैट विल नॉट बी ओके। आपको लग रहा है कि मैं चार क्वेश्चंस कर लेता हूं एक्सरसाइज के, मेरे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा, नहीं आएगा बेटा। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ो, सीखो और चार क्वेश्चंस करो, देन आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। आ गया समझ में? तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ के आने के लिए कहा था SHE के बारे में। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड के कितने टाइप की होती हैं? वन इज एनोड एंड द अनदर वन इज कैथोड। एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और कैथोड के ऊपर कौन सा होता है? नेगेटिव। तो एक इलेक्ट्रोड को हम कनेक्ट करते हैं किसी भी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से, जिसके अंदर क्या कंस्टिट्यूएंट होता है? सेल कंस्टिट्यूएंट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विद अ लेयर ऑफ प्लेटिनम ब्लैक। बात कर रहे हैं हम SHE की। SHE के अंदर एक इलेक्ट्रोड होती है कौन सी? प्लेटिनम, जिसके ऊपर कोटेड होती है वो एक लेयर के साथ। किसकी लेयर के साथ? प्लेटिनम ब्लैक की लेयर के साथ। तो डायग्राम भी मिल जाएगा वैसे हमारे पास। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के अंदर क्या होता है? आपकी जो हाइड्रोजन गैस है बेटा, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस विल बी फॉर्म एन एक्वस आयन। एच पॉजिटिव आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कौन सी गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं? H2 गैस के अंदर कन्वर्ट होते हैं। दैट विल बी द रिएक्शन ऑन SHE। मुझे बताओ ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है, दैट विल बी रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। हाफ सेल रिएक्शंस नहीं पढ़ी क्या आपने? कंप्लीट के अंदर क्या हुआ? ये आपके पास क्या हुआ? एक तरफ तो कैथोड आएगी, एक तरफ एनोड आएगी, तो हाफ सेल है ना ये हमारा, हाफ सेल पढ़ रहे हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन की पढ़ रहे हैं तो आपके पास हाइड्रोजन के अंदर हाफ सेल ही आना है, क्या तो कैथोड का आएगा या एनोड का आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है? गेन कर रहा है। गेन कर रहा है तो वो कैथोड होती है एनोड होती है? पहले तो मुझे बताओ गेन का मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? गेन का मतलब सर रिडक्शन। लोन पढ़ा हुआ है हमने, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज रिडक्शन। तो ये आपकी क्या होगी? रिडक्शन होगी। रिडक्शन जो है वो कौन सी नोड पे होती है? कैथोड पे होती है। तो ये सारे के सारा फेनोमिना कहाँ पे होगा? कैथोड पे होगा। तो बाकी जो सेल बच गया वो कहाँ पे होगा? एनोड पे होगा। और मैंने आपको पढ़ाया था कि ये SHE का हम यूज क्यों करते हैं। मान लो आपके पास कोई एक सेल दे रखा है, उसका आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और वो रिएक्शन हो रही है एनोड पे। किस पे हो रही है? तो SHE जो है वो किसकी तरह एक्ट करेगा? कैथोड की तरह। और मान लो आपके पास कोई रिएक्शन हो रही है कैथोड पे, तो SHE किसकी तरह एक्ट करेगा? एनोड की तरह। क्लियर है? और SHE का ही यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है बेटा वो क्या होता है? जीरो। इसीलिए जो भी वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ किसकी आएगी? एनोड या कैथोड की आएगी। और इस इन सेल्स का हम क्या निकाल लेंगे? पोटेंशियल। इसीलिए हम किसका यूज करते थे? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इसका जो वोल्टेज है वो जीरो होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी बोलते थे। क्लियर है? अब अगर आप ये पढ़ के आते हो क्लास में, जो कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था, देन यू विल एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट। अदरवाइज यू हैव टू कंसीडर द न्यू टर्म्स, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड कैथोड एंड एनोड। तो आप एक मिनट का टाइम दो और इनको रिवाइज करो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर वी कवर दिस टॉपिक। तो देखेंगे बेटा, द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कंस्टिट्यूट अ सेल। तो ये हमने पढ़ लिया है।
ये देखो इस टाइप की रोड होती है हमारे पास, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 bar प्रेशर के साथ डाली गई है। यहाँ पे प्लेटिनम वायर है विच इज कोटेड विद ब्लैक। 298 केल्विन हमने टेम्परेचर ले रखा है। यहाँ पे एक फॉइल पेपर लगा रखा है, किसका है? प्लेटिनम का। और यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन जो है वो कौन सा डाल रखा है हमने? डाइल्यूट H2SO4। तो दैट इज योर कंप्लीट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ SHE, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन रिएक्टर। क्लियर? तो द इलेक्ट्रॉन्स इज इमर्स्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन्स किस में डाले गए हैं? एसिडिक सॉल्यूशन में। एसिडिक सॉल्यूशन कौन सा एसिड लिया हमने यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज अवर H2SO4। एंड द प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट। और इसके अंदर से कौन सी गैस डाली हमने? प्योर हाइड्रोजन गैस विद एन प्रेशर दैट इज 1 bar प्रेशर। अभी अभी कराया था पीछे। द कंसेंट्रेशन ऑफ द रिड्यूस्ड फ्रॉम द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जो कंसेंट्रेशन रिड्यूस हुई है बेटा हाइड्रोजन की, वो क्या हो जाती है? ऑक्सीडाइज हो जाती है फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, जो किसकी फॉर्म में? हाइड्रोजन की फॉर्म में। इज सस्टेन्ड एट यूनिटी, और उसको कहां पे ले आते हैं? यूनिटी पे, दैट इज 1 mole ऑफ हाइड्रोजन विद फॉलोइंग कंडीशंस। सबसे पहले हाइड्रोजन गैस का प्रेशर कितना कर देंगे? 1 bar। कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन कितनी कर देंगे? 1 mole। तो ये आपके पास क्या स्टैंड करेगी यहाँ पे? यूनिटी स्टैंड करेगी। क्यों यूनिटी स्टैंड करेगी? क्योंकि कंसेंट्रेशन को रिड्यूस कर दिया गया है और उसको क्या बना दिया गया है? ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? अब बात करें ई सेल की, तो ये तो आपको पता ही है कंप्लीट सेल क्या होता है। कंप्लीट सेल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कैथोड एंड एनोड। तो आपका जो रिडक्शन पोटेंशियल है, किसकी बात में, किसकी टर्म्स में बात करेंगे हम? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। तो कैथोड पे क्या होती है? रिडक्शन होती है। तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? अरे कैथोड पे क्या हो रही है? रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन हो रही है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो बात करूं मैं ई कैथोड की, तो ई कैथोड का जो क्या आ रहा है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, वो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा बेटा? पॉजिटिव। और बात करूं मैं ई एनोड, तो ई एनोड का, एनोड पे क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो पॉजिटिव होगा, पर हम बात किसकी टर्म्स में कर रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसा होगा बेटा? नेगेटिव। इज इट क्लियर और नॉट? तो इसलिए यहाँ पे ई कैथोड माइनस ई एनोड, किसकी टर्म्स में बात कर रहे हैं? रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में। तो ई सेल इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस जीरो। अच्छा, अब एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही थी? हाइड्रोजन वाली। एनोड पे कौन सी हो रही थी? हाइड्रोजन। अभी अभी हमने किया ना यहाँ पे कि रिड्यूस्ड फॉर्म एंड ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, दैट मींस अगर यहाँ पे कहाँ पे आएगी? एनोड पे। एनोड पे जो SHE आ रहा है तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कितना हो जाएगा? जीरो बचेगा, किसका? ये कैथोड का। और यही हमें क्या करना था? कैलकुलेट। तो द मेजर्ड EMF ऑफ द सेल इज PT H2 1 bar इज कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव। इट विल गेन एन इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी लॉस एन इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट विल बी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पे? जीरो होगा। Cu2 positive is converting into Cu, ये आपकी रिएक्शन कहाँ पे हो रही है? कैथोड पे हो रही है। तो कैथोड पे हो रही है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा? 0.34 वोल्ट। तो ये आपका 0.34 वोल्ट आ गया सेल का। क्लियर? पॉजिटिव वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि क्या हो रही है यहाँ पे? इजी रिडक्शन हो रही है किसकी? कॉपर टू पॉजिटिव की। अगर नेगेटिव आती तो कैसी होती? मुश्किल होती। क्लियर? तो द मेजर EMF ऑफ सेल हमने यहाँ पे निकाल लिया। अगर हम ZN की बात करें तो ZN क्या होता है बेटा? ऑक्सीडाइज होता है। ZN ऑक्सीडाइज होता है तो हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस होगा। हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कैथोड वाला आएगा या एनोड वाला आएगा? ZN क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज। हाइड्रोजन क्या होगा? रिड्यूस। रिडक्शन कहाँ पे होती है? कैथोड पे। तो हाइड्रोजन का कौन सा पोटेंशियल आएगा? कैथोड वाला आएगा, कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल। उसको हम क्या ले लेंगे? जीरो। आगे क्या आएगा? माइनस ऑफ ई एनोड, माइनस ऑफ ई एनोड आएगा तो यहाँ पे माइनस वैल्यू रह जाएगी। और ई एनोड कितना है? 0.76। तो वैल्यू कितनी आएगी? -0.76। नेगेटिव वैल्यू का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन आयन तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और जिंक जो है बेटा, और नेगेटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल सिग्निफाइज दैट हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइजेस द जिंक। हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज कर रहे हैं किसको? जिंक को। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिंक रिड्यूस कर रहा है किसको? हाइड्रोजन। क्लियर? एन इलेक्ट्रोड विद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ग्रेटर देन जीरो,
एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ज्यादा हो किससे, जीरो से, वो क्या होगा, स्टेबल इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म. किस कौन सी फॉर्म में, रिड्यूस्ड फॉर्म में एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. वेयर एज एन इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, किसी का नेगेटिव आ रहा है, दैट मीन्स इट विल बी लेस स्टेबल इन इट्स रिड्यूस्ड फॉर्म एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. आइए समझ में फिर से करा देता हूँ अगर आपको इसमें डाउट आ रहा है तो. वेयर एज एन इलेक्ट्रोड विद नेगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड, नेगेटिव पोटेंशियल आ रहा है, दैट इट विल बी लेस स्टेबल, वो क्या होगा बेटा, कम स्टेबल होगा किससे, हाइड्रोजन गैस से. और पॉजिटिव आ रहा है दैट मींस क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा किससे, हाइड्रोजन गैस. जैसे आपका कॉपर है, कॉपर का अभी कितना आया था, 0.34 वोल्ट आया था, तो इट विल बी मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन गैस. ZN का कैसा आया था, -0.76, दैट मींस जिंक इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्रोजन गैस. Is it clear or not? This decreases the standard electrode potential, which in turn decreases the oxidizing power. अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है? इसकी वजह से जो आपका standard electrode potential है, वो क्या हो जाएगा? Decrease. Which in turn decreases the oxidizing power. जिसके कारण oxidizing power भी क्या हो जाएगी? Decrease. Oxidizing power का मतलब क्या है? Oxidize करने के लिए जो उसकी capability है. ऑफ द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड, किसकी, स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड की. ऑन द लेफ्ट इंक्रीज, ऑन द लेफ्ट, लेफ्ट साइड में, एंड इंक्रीजेस द रिड्यूसिंग पावर. और रिड्यूसिंग पावर को क्या करेगा, इंक्रीज ऑफ द इलेक्ट्रोड टू द राइट ऑफ द रिएक्शन. जो कहां पे लगा होता है, राइट में लगा होता है, रिड्यूसिंग कैपेसिटी, दैट इज रिडक्शन. रिडक्शन किस पे होती है, कैथोड पे. और लेफ्ट पे क्या होती है आपकी, ऑक्सीडेशन. वहां पे क्या डिक्रीज होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज होगी. अगर वहां पे लेफ्ट पे ऐसे होता है ना सेल आपका, यहाँ पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रही है, रिडक्शन. तो लेफ्ट साइड पे क्या है, ऑक्सीडेशन है, राइट साइड पे क्या है, रिडक्शन है. तो अगर लेफ्ट साइड पे ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रिडक्शन पे, राइट हैंड साइड पे रिड्यूसिंग पावर क्या होगी, इनक्रीज होगी. तो वो यहाँ पे लिखा होगा. क्लियर है बेटा? तो आपके लिए कुछ होमवर्क रहेगा, ये SHE का टॉपिक जो है आपका इतना ही था. क्लियर है? तो यहाँ पे आपका एक डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यूज हो रहा है. कहाँ हो रहा है डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज? हमने पूरा SHE पढ़ लिया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. क्या है 3D सीरीज? हाँ, जिंक एंड कॉपर आर ऑफ 3D सीरीज. कि यहाँ पे ये ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर रहे हैं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर. एंड एक और चीज यूज हुई है यहाँ पे, क्या चीज यूज हुई है, प्लेटिनम, दैट इज आल्सो अ डी ब्लॉक एलिमेंट. अच्छा, इसमें आपने कुछ ये चीजें भी कर रखी होंगी, जैसे आप कभी भी हाइड्रोजिनेशन करवाते हो, करवाते हैं ना हाइड्रोजिनेशन, ऑर्गेनिक में करवाई थी हमने, कि कोई भी कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई भी ले सकते हैं, RX ले रहे हैं, RX के हाइड्रोजिनेशन करवाते हैं, एडिशन ऑफ H2, तो वो किसकी प्रेजेंस में करवाते हैं, फाइन मेटल की प्रेजेंस में. और ये जो फाइन मेटल होते हैं बेटा, ये आपके कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. कौन से एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं. तो हाइड्रोजन को ऐड भी करवाते हैं, तो किसकी प्रेजेंस में ऐड करवाते हैं, फाइन मेटल दैट आर योर Fe हो गया, निकल हो गया, निकल की प्रेजेंस में बहुत बार ऐड करवाया है हमने, रेनी निकल. तो दैट इज ऑल्सो द यूज ऑफ फाइन मेटल्स, Pt, प्लेटिनम, प्लेटिनम के यूज में. तो दैट आर अवर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आ गया बेटा समझ में? तो SHE पे ही आपका होमवर्क रहेगा. नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज करेंगे हम कल की क्लास में. क्लियर है? तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप पढ़ के आओगे या पढ़ चुके हो. आपके फिजिक्स में कौन सा चैप्टर आता था, मैग्नेटिज्म एंड मैटर था क्या, चैप्टर 6, दैट इज 5, मैग्नेटिज्म एंड मैटर आता है शायद, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. तो उसमें आपने पढ़ा होगा पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक. तो फेरोमैग्नेटिक तो खैर यहाँ पे नहीं आता है, यहाँ पे जनरली हम कौन से पढ़ते हैं, पैरा मैग्नेटिक एंड डाई मैग्नेटिक पढ़ते हैं. और ये आपका बहुत ज्यादा यूज आना इसका, पैरा मैग्नेटिक और डाई मैग्नेटिक का, कहाँ पे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें कहाँ पे पढ़नी है, चैप्टर नंबर 9 में, दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो वहां पे इसका बहुत यूज आएगा. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपसे पूछेगा कि इस कंपाउंड का मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ हमें. तो मैग्नेटिक बिहेवियर हमें पता होना चाहिए कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसमें मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कौन मैक्सिमम रिपल्शन शो करता है. तो ये आपका एक तो ये होमवर्क रहेगा.
कि आपको क्या पढ़ के आनी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़ के आनी है। क्लियर है बेटा? क्वेश्चंस में आपको एनसीईआरटी में से दे देता हूँ। तो जो बेटा आपका होमवर्क रहेगा, दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में आपके रहेंगे क्वेश्चन नंबर 8.5 ऑन पेज नंबर भी मैं बता दूं आपको, पेज नंबर जो है आपका वो है 226 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। एंड एग्जाम्पल्स जो आपको करके आने हैं, एग्जाम्पल्स आर मस्ट पार्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। एग्जाम्पल्स इसमें आपको दे रखे हैं 8.5, 8.6 एंड 8.7, दैट आर योर एग्जाम्पल्स। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इंडेक्स क्वेश्चन 1 एंड एग्जाम्पल्स, दैट्स ऑल।